मुंबई में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, कल रात से ही जारी है भारी बारिश, अगले 48 घंटों के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बारिश के कारण मुंबई में जगह जगह भरा पानी, आईएमडी ने समुद्र किनारे न जाने की अपील, कहा हाई टाइड का खतरा है। भारी बारिश से बढ़ी मुंबई में ट्रैफिक की समस्या, कई रूट बदले गए, जरूरी न हो तो घर से न निकले। बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी से मुंबई जाने वाले यात्री कृपया ध्यान दें, दर्जनों ट्रेनें हो चुकी है कैंसिल, यात्रा करने से पहले देखें शेड्यूल। मुंबई की बारिश ने रद्द की कई उड़ानें, इंडिगो ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। मुंबई बना टीबी की बीमारी का हब, 27% मरीज अकेले मुंबई में पाए गए। महाराष्ट्र में से चुनाव के लिए वोटिंग जारी, क्रॉस वोटिंग की आशंका, मतदान के बीच कांग्रेस की बैठक से 3 विधायक गायब। महाराष्ट्र में आज एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग में 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में। महाराष्ट्र के बुजुर्गों को शिंदे सरकार का बड़ा तोहफा, 60 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा, इसमें 30,000 रुपए का लाभ मिलेगा। एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग के डर से रिटर्निंग अधिकारी से बोली कांग्रेस, बीजेपी विधायक गायकवाड़ को न करने दे वोट। 13 जुलाई को मुंबई आएंगे मोदी, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड ट्वीन टनल, ठाणे दहिसर डेब्रिज प्लांट का करेंगे उद्घाटन। अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए लालू यादव पहुंचे मुंबई, नीतीश कुमार को भी भेजा है न्योता। मुंबई में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी को लेकर ट्रैफिक गाइडलाइन की जारी। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खतरा, एमवीए विधायकों ने 5-स्टार होटल में गुजारी रात। दशा सालियन केस में बीजेपी विधायक नितेश राणा ने आज मुंबई पुलिस के सामने होंगे पेश। दलित शराब नीति केस में केजरीवाल को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत। आज ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे से करेंगी मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। तिरुपति जा रहे बस में ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, 9 लोगों की हुई मौत, 15 से अधिक लोग हुए घायल। मुंबई में सोने के दामों में उछाल रही, सोना 73,750 रुपए तोला, तो वही चांदी 95,500 रुपए किलो। नेपाल में लैंडस्लाइड के बाद बड़ा हादसा, 2 यात्री बस से वहीं 60 से ज्यादा यात्री हुए लापता।